Hi all, let's take this journey of teaching and learning further by beginning with chapter 1 from Hornbill Textbook for English Core Class 11th, The Portrait of a Lady, written by a man who needs no introduction, the world famous Mr. Khushwant Singh. Jaisa ki maine kaha, Khushwant Singh, ek naam jo kisi pariche ka mohtaj nahi. Born on 2nd February 1915 and he passed away on 20th March 2014. Indian author, lawyer, diplomat, journalist, politician. His experience in the 1947 partition of India inspired him to write his most well-known, most talked about novel, Train to Pakistan, which later got even adapted into a movie. He was educated in Modern School, New Delhi, St. Stephen's College, Government College, Lahore. He took his LLB degree from King's College, London, served as an editor of several literary and news magazines as well as two newspapers. From 1980 to 1986, he also served as Member of Parliament in Rajya Sabha. He was bestowed with the Padma Bhushan in 1974. Although it is said that he returned the award in 1984 in protest against Operation Blue Star started by the then Prime Minister Shrimati Indira Gandhi. In 2007, he was awarded the Padma Vibhushan, the second highest civilian award in India. Aren't we privileged that we are getting an opportunity to study a short story written by this illustrious author. Aaj ye hamara saubhagya hai ki hum ek choti kahani aise writer ke dwara likhi gayi padhne ja rahe hain. The Portrait of a Lady, written in first person, glimpses of an autobiography the story carries. Aisa mehsoos hota hai ki haan ye ek jeevani hai. Writer apni grandmother ke bare mein baat karta hai जिन्हें वो पिछले 20 साल से जानता है और जब से जानता है तब से उसने अपनी दादी को बूढ़ा देखा है, चेहरे पर झुर्रियां देखी हैं, कमर पर एक हाथ रख थोड़ा झुक कर चलते देखा है. उसने अपने ग्रैंडफादर को एक पोर्ट्रेट में देखा है तो उन्हें भी ढीले कपड़े पहने हुए, पगड़ी बांधे हुए और सफेद दाढ़ी में देखा है. वो कहता है ऐसा महसूस होता है मानो ये लोग कभी यंग थे ही नहीं. वो कहता है अगर दादी कभी ये बताती थी कि वो बचपन में कौन कौन से खेल खेलती थी तो उन्हें भी बिलीव करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है. वो उन स्टोरीज को थोड़ा इलॉजिकल समझता है क्योंकि वो कहता है कि ये उसकी इमेजिनेशन में ही नहीं आता था कि दादी कभी बच्चा भी रही, दादी ने भी उनकी तरह खेल खेले. उसने तो जब से दादी को देखा तब से उन्हें बूढ़ा ही देखा. तो वो कहता है कि दादी जो कहानियां बचपन की बताती थी ऐसा लगता था मानो कोई मॉरल स्टोरी सुना रही है. हाइट में छोटी, थोड़ी मोटी और झुक कर चलती थी, चेहरे पर जबरदस्त झुर्रियां. वो कहता है वो खूबसूरत नहीं थी लेकिन उनके कर्म उनको बहुत खूबसूरत बनाते थे. एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पीसफुल ऑरा था ग्रैंड मदर के आसपास. पूरे घर में वो वाइट कपड़े पहने हुए, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए सिर्फ अपना जाप करती हुई घूमती थी. ना किसी को तंग करना, ना किसी से कोई डिमांड करना. सिर पर सफेद बाल, कभी कंघी नहीं होती थी, हमेशा थोड़े उलझे हुए बाल. लेकिन वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेयर्स में मगन होती थी. उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो किसी विंटर लैंडस्केप को देख रहे हो, किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ पर सिवाय शांति के, जहाँ पर सिवाय पीस के, जहाँ पर सिवाय एक ट्रैंक्विलिटी के और कुछ नहीं है. दादी के आसपास सिवाय पॉजिटिविटी के मानो दूसरी और कोई चीज नहीं थी. शुरू में जब राइटर के पेरेंट्स शहर की तरफ आए तो उन्होंने राइटर को ग्रैंड मदर के पास गांव में ही छोड़ दिया. अब ग्रैंड मदर और ऑथर अपना सारा वक्त एक साथ बिताते थे.
बेस्ट फ्रेंड्स थे। ग्रैंडमदर रोज सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। पूरा टाइम ग्रैंडमदर कुछ प्रेयर्स करती थी, कुछ प्रार्थना गुनगुनाती थी। बहुत मन होता था ग्रैंडमदर का, बहुत इच्छा थी कि राइटर उन प्रेयर को लर्न कर ले। राइटर कहता है उसने कभी उन्हें लर्न करने की कोशिश नहीं करी, मगर वो सुनता बहुत ध्यान से था क्योंकि ग्रैंडमदर की आवाज़ बहुत सुंदर थी। तैयार होने के बाद उसकी स्लेट, उसकी इंक पॉट, एक रेड पेन रेडी कर दिया जाता था। एक चपाती दी जाती थी जिस पर खूब सारा मक्खन और चीनी लगी होती थी, और फिर पैदल चलकर दोनों स्कूल जाते थे। और ग्रैंडमदर अपने साथ बहुत सारी चपातियां लेकर जाती थी, बहुत सारी रोटियां लेकर जाती थी रास्ते में मिलने वाले डॉग्स को खिलाने के लिए। ग्रैंडमदर राइटर के साथ इसलिए जाती थी स्कूल क्योंकि स्कूल के बिल्कुल साथ एक मंदिर था। वो वहाँ मंदिर में बैठकर अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी और राइटर अंदर स्कूल में बैठकर लेसन्स पढ़ा करता था। जब स्कूल ख़त्म होता था दोनों घर इकट्ठे वापस आते थे, उनको डॉग्स फॉलो करते थे और वो डॉग्स को चपाती खिलाते हुए घर की ओर चलते आते थे। जब राइटर के पेरेंट्स शहर में सेटल हो गए, उन्होंने ग्रैंडमदर को और राइटर को शहर बुलवा लिया। यहाँ से उनके रिश्ते में एक चेंज आया, यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आया उनके रिलेशनशिप में। और ये टर्निंग पॉइंट ऐसा नहीं था कि दोनों के लिए एक दूसरे के प्रति लगाव कम हो गया या प्यार कम हो गया, लेकिन ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जो शायद उस वक्त डिमांड था, वो शायद उस समय समय की मांग था। दोनों शहर में भी एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन अब ग्रैंडमदर स्कूल नहीं आ पाती थी। राइटर का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया गया और वो स्कूल बस में जाया करता था। वहाँ पर डॉग्स नहीं मिलते थे तो ग्रैंडमदर ने आंगन में बैठकर चिड़ियों को दाना डालना शुरू करा। अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया दोनों की बात एक दूसरे से कुछ कम होती गई। कुछ वक्त तक तो ग्रैंडमदर रोज उसे उठाती थी और सुबह तैयार करती थी। वापस आने पर पूछती थी कि उसने स्कूल में क्या पढ़ा, लेकिन फिर बहुत उदास हो जाती थी, निराश हो जाती थी जब राइटर उनको वहाँ पर पढ़ाए जाने वाली साइंस और इंग्लिश के बारे में बताता था। वो उस लैंग्वेज को नहीं जानती थी, उसे कुछ नहीं पढ़ा पाती थी। दुखी होती थी कि इस नए स्कूल में गॉड, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के ऊपर कोई बात नहीं होती थी। ईश्वर से जुड़ी, अपने धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी कोई पढ़ाई वहाँ नहीं होती थी। वो उस तरह की एजुकेशन को अप्रूव नहीं करती थी, लेकिन साथ के साथ अपने ग्रैंडसन की एजुकेशन के बीच में आना भी नहीं चाहती थी। लेकिन एक दिन वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई जब राइटर ने आकर उन्हें बताया कि स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स स्टार्ट किए गए हैं। वो म्यूज़िक को अच्छा नहीं मानती थी, वो मानती थी कि म्यूज़िक सिर्फ बेगर्स या प्रोस्टिट्यूट्स के लिए एक मीडियम ऑफ अर्निंग है। अच्छे घरों से, भले घरों से, संस्कारी परिवारों से आने वाले बच्चे म्यूज़िक नहीं सीखते, क्योंकि वो बच्चे की एजुकेशन के रास्ते में नहीं आना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी बातचीत राइटर के साथ पहले से और भी ज़्यादा कम हो गई। अब शुरू हुआ उन दोनों के रिश्ते का तीसरा दौर। राइटर यूनिवर्सिटी जाने लगा और उसको उसका अपना खुद का कमरा दे दिया गया। कम से कम अब तक तो ग्रैंडमदर और राइटर एक कमरे में रहते थे, अब वो भी खत्म हो गया। वो और ज्यादा अकेली हो गई, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं करी। वो पूरा दिन या तो स्पिनिंग व्हील पर बैठती थी, चरखा कातती थी, या फिर वो बैठकर चुपचाप अपनी प्रेयर्स पढ़ती थी, अपना जाप करती थी। सिर्फ आफ्टरनून में वो स्पैरोस को खिलाने के लिए वरांडा में आती थी। ब्रेड को तोड़कर वो हजारों सोइयों बर्ड्स को वहाँ खाना खिलाती थी।
पता ही नहीं चला कि वो बर्ड्स कब उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड बन गई। वो बर्ड्स आकर उनके आसपास बैठ जाती थी, कोई उनके लेग्स पर बैठ जाती थी, कुछ कंधों पर बैठती थी, कुछ सिर पर बैठ जाती थी। वो हमेशा मुस्कुराती थी, उन्होंने कभी किसी बर्ड को नहीं उड़ाया। वो दिन का आधा एक घंटा उनके लिए सबसे खुशी भरा होता था। इसके बाद जब राइटर ने डिसाइड करा वो आगे पढ़ने के लिए एब्रॉड जाएगा, तो कहीं ना कहीं राइटर के मन में एक डर था कि वो 5 साल के लिए जा रहा है, क्या वापस आने तक ग्रैंड मदर होंगी, क्या वापस आने पर उसका एक बार फिर ग्रैंड मदर से मिलना हो पाएगा। लेकिन ग्रैंड मदर ने कोई इमोशन शो नहीं करा। वो स्टेशन पर उसे सी ऑफ करने आई, उसको एक हग दिया और उसके माथे पर एक किस किया। वो उनका लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था। ऑथर उसको आशीर्वाद समझकर चला गया। ही टुक इट एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी ने कोई इमोशंस नहीं शो किए। जब ऑथर 5 साल के बाद वापस आया, हैरान हो गया कि वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी 5 साल पहले दिखती थी। उन्होंने फिर उसको बाहों में भरा, एक कसकर हग दिया, एक वर्ड नहीं बोला, चुपचाप अपना जाप करती रही, अपनी प्रेयर्स कहती रही। लेकिन उस दिन एक चेंज देखा गया। दादी, ग्रैंड मदर, जिन्होंने अपनी प्रेयर्स को कभी मिस नहीं किया था, उस दिन उन्होंने प्रेयर नहीं करी। उन्होंने आसपास से कुछ लेडीज को बुलाया, एक ढोलक लिया और उनके साथ बैठकर वो कीर्तन करने लगी। और कीर्तन में वो एक ही चीज को बार बार गाती थी, द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, मानो कोई योद्धा अपने घर वापस लौट कर आया है। पूरे परिवार ने उन्हें समझाया कि वो बीमार पड़ जाएंगी, लेकिन वो नहीं मानी और अगले दिन वो बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा हल्का बुखार है, चला जाएगा, लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उनका अब एंड बिल्कुल पास है। इसे कहते हैं एक पुण्य आत्मा जिसे अपनी मौत का आभास हो चुका था, वो किसी पर पूरे जीवन बोझ नहीं बनी। उन्होंने अपनी मौत को भी बिल्कुल पीसफुली एम्ब्रेस किया। उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने अपने लास्ट के दिनों में प्रेयर नहीं करी, वो उस वक्त प्रेयर करना चाहेंगी सब चले जाएं। जब फैमिली नहीं गई, उन्होंने किसी से कोई बात नहीं करी और चुपचाप अपना माला जाप करना शुरू किया। किसी को पता भी नहीं चला कब वो माला उंगलियों से गिरी और बिल्कुल एक शांति सी चेहरे पर छा गई। सब समझ गए कि दादी नहीं रही। उनको बेड से नीचे उतारा गया, उन पर रेड कलर का कपड़ा ओढ़ा गया और जब उनको ले जाने की बारी आई तो सब एक सरप्राइज में पड़ गए। हजारों चिड़ियां उनकी बॉडी के पास बैठी थी। जहां से कमरा शुरू होता था और जहां तक बरांडा खत्म होता था, सिर्फ और सिर्फ चिड़िया थी और एक भी चिड़िया चर्प नहीं कर रही थी, एक भी चिड़िया चहक नहीं रही थी। ऑथर की मदर को लगा कि जैसे दादी उनको ब्रेड खिलाती थी, वो उसी के लिए आई हैं। उन्होंने उनके लिए उसी तरह से ब्रेड को तोड़ा और खिलाया, लेकिन एक भी स्पैरो ने एक भी ब्रेड क्रम को चोंच में नहीं पकड़ा। और जब बॉडी को लेकर गए, ये सब चिड़ियां उसके साथ उड़ी और चली गईं। अगले दिन स्वीपर ने वो सारे ब्रेड क्रम्स इकट्ठा कर फेंक दिए। ये था दादी का चरित्र, ये था दादी का पोर्ट्रेट, ये था दादी का टोटल परसोना कि बर्ड्स वो भी इतनी सेंसिटिव हुई, उन्होंने भी अपने फ्रेंड के लॉस को महसूस किया, फील किया। अ फ्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स फ्रॉम द चैप्टर, लाइक ऑलवेज टू हेल्प यू विद द मीनिंग्स ऑल्सो, टू हेल्प यू विद द प्रोनंसिएशंस ऑल्सो। पोर्ट्रेट, mental peace, revolting, fables, prophet, silver locks, puckered, monopoly, rosary.
Some more words: harlots, seclusion, resignation, veritable bedlam, frivolous rebukes, clasped, sagging, dilapidated, paler, and shroud. I hope all this helps you understand the chapter better. I will wait for your feedback, and I will also wait if you wish to see me making any changes in my presentation. Please feel free to put your suggestions forth, and also encourage your friends to subscribe to my channel. Thank you. Have a good time, all.